नमस्कार दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। नेपियर के मैकलीन पार्क में दोनों टीमों के बीच मुकाबला होगा। भारतीय टीम जहां ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर में हराने के बाद न्यूजीलैंड पहुंची है, तो वहीं कीवी टीम भी अपने मैदान पर टीम इंडिया को जबरदस्त टक्कर देने के लिए तैयार है। यह मैच भारतीय समय अनुसार 23 जनवरी को सुबह 7:30 बजे खेला जाएगा, जिसका प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा। वहीं आप इंटरनेट के माध्यम से हॉटस्टार पर भी देख सकते हैं। भारतीय टीम की अगर बात करें तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में जीत के बाद टीम का हौसला काफी बुलंद होगा। रोहित शर्मा और कप्तान विराट कोहली जबरदस्त फॉर्म में हैं। वहीं पूर्व कप्तान MS धोनी का फॉर्म में आना भारतीय टीम के लिए सबसे अच्छी खबर है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों में 3 अर्धशतक लगाकर वो मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। एक बार फिर से धोनी ने मैच फिनिश करना शुरू कर दिया है। गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी से तेज गेंदबाजी में वो धार नजर नहीं आ रही है। भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी ने अच्छा प्रदर्शन जरूर किया है, लेकिन खलील अहमद और मोहम्मद सिराज तीसरे गेंदबाज के रूप में प्रभावित नहीं कर पाए हैं। हालांकि भारत का स्पिन अटैक काफी बढ़िया है। युजवेंद्र चहल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी मैच में 6 विकेट लेकर अपने इरादे जता दिए हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो भारतीय टीम इस वक्त काफी मजबूत लग रही है। दूसरी तरफ अगर न्यूजीलैंड की बात की जाए तो अपने मैदान पर वो सबसे खतरनाक टीम साबित होते हैं। कॉलिन मुनरो और मार्टिन गप्टिल के रूप में उनके पास विस्फोटक सलामी जोड़ी है। इसके अलावा मध्यक्रम में कप्तान केन विलियमसन जैसा दिग्गज बल्लेबाज है। अनुभवी रॉस टेलर इस वक्त शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो टीम सऊदी और ट्रेंट बोल्ट की जोड़ी काफी घातक साबित हो सकती है। दोनों ही टीमों को देखकर लगता है कि इस सीरीज में कांटे की टक्कर होगी। इस मैच की संभावित प्लेइंग 11 आप डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए लिंक पर जाकर देख सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको भी लगता है कि पहला मैच भारतीय टीम जीतेगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और क्रिकेट जगत के हर ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें क्विक 7 यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।